जिस जंगल में छुपे हुए थे। रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस लोकेशन पे लेके पहुंचा। यहाँ पे ये कार्टन जो है वो कार्टन के अंदर समोसे, पानी की बॉटल्स के पाउच हैं। ये है स्किन प्लास्टर। सबूत जुटाने की तैयारी राजस्थान पुलिस की टीम से भी हो रही है। और चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की, भिवाड़ी की, जहां करीब 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में है और हर पहलू से पूछताछ भी हो रही है। क्या कुछ फिलहाल सामने आया है इस रिपोर्ट में देखिए। इरादे से छिपकर नापाक खेल रच रही थी, उसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने निस्तनाबूद कर दिया। राजस्थान के भिवाड़ी के जंगलों में छिपे अलकायदा के 6 संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों ने जंगल में ट्रेनिंग सेंटर बना रखा था, साथ ही 6 संदिग्ध आतंकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। आरोप है कि संदिग्ध आसपास के इलाकों की रेकी भी कर रहे थे। रिपब्लिक भारत मौके पर जाकर उस जंगलों में उस ठिकाने को खोज निकालता है जहां संदिग्ध अलकायदा के आतंकी ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। अलकायदा के 6 संदिग्ध आतंकी राजस्थान के जिस जंगल में छुपे हुए थे और ट्रेनिंग कैंप बनाने के फिराक में थे और ट्रेनिंग ले रहे थे, वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस लोकेशन पे लेके पहुंचा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये कार्टन जो है वो कार्टन के अंदर समोसे जो है वो मिले हैं। और यहीं पे ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ सहयोग करके एक रेड की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पानी की बॉटल्स के पाउच हैं, पानी की बॉटल्स हैं, चाय के कप्स हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे अनुसंधान करने के लिए राजस्थान की एक पुलिस की जो टीम है अधिकारी, वो भी यहाँ पे चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। खबर तो ये भी है कि अलकायदा की तरफ से कई टास्क भी दिए गए थे जिसको पूरा करने के लिए संदिग्ध आतंकियों ने जंगल में डेरा जमा रखा था। दिल्ली पुलिस की सेल ने आतंकियों के ठिकानों से कई हथियार और संदिग्ध चीजें बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद, डमी AK-47 राइफल, आतंकी विचारधारा वाली किताबें और संदिग्ध कई चीजें जब्त की है। जानकारी के मुताबिक अलकायदा आतंकी आकाओं के इशारों पर ही संदिग्धों ने भिवाड़ी के जंगलों को ही अपना ठिकाना बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह को आतंकियों ने चुना उस जगह के पास ही एयरफोर्स का एक बड़ा सेंटर है। तो जंगल में जिस जगह में मौजूद हूँ, ये आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक सबूत जुटाने की तैयारी राजस्थान पुलिस की टीम से भी हो रही है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से बॉटल्स, चाय के कप, डिस्पोजल कप जो है वो है। इसके अलावा ये देखिए, ये आपको मिलेगा, ये मेडिकल प्लास्टर है, ये बैंडेज जिसे कहा जाता है। ये एक बार महेश दिखाएं तो ये तस्वीर देखें कि ये यहाँ पे पड़ी हुई है और एक नहीं है, स्किन प्लास्टर इस तरीके से 2-3 हैं। तो यहाँ संभवतः कैंप जो था वो था। आप यहाँ पे देखें, ये देखिए बैंडेज जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यहाँ निकले। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉटल्स, पानी की बॉटल जो है वो है, यानी कि जंगल में एक बार पानी की बॉटल जब लेकर के आई जाती है तो एक लंबे टाइम के लिए किस तरीके से सर्वाइव करना था किस तरीके से। लेकिन यहाँ पे तमाम सबूतों को इकट्ठा करती हुई जो राजस्थान पुलिस है वो भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए समोसे के कुछ टुकड़े जो हैं वो भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये समोसे देखिए, आप 6 संदिग्ध आतंकियों को संभवतः यहाँ इसी इलाके से जो जहाँ पुलिस छानबीन कर रही है यहीं पकड़ा गया था। सर क्या क्या मिला है आपको, कुछ बताएंगे आप? पानी की बोतल है, समोसे हैं और क्लिप भी मिली है सर, बिल्कुल, पेपर क्लिप बिल्कुल मिली है, पेपर क्लिप भी मिली हुई है। संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद शक गहराता जा रहा है कि कई इस इलाके में और भी आतंकियों ने तो डेरा नहीं जमाया हुआ है। इसे देखते हुए रेंज IG अनिल टांग भिवाड़ी में डेरा जमा बैठे हैं। राजस्थान ATS की टीम भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के संपर्क में है। वहाँ ट्रेनिंग का कोई वहाँ का सेटअप वहाँ पर बता रहे थे, वो हमारे लिए भी बड़ा एक नया रोचक विषय हमारे पुलिस के जांच के लिए बना हुआ है। और अभी हम इस चीज़ पर और गहराई से छानबीन करने की वो कोशिश हमें जारी है हमारी। जिस प्रकार की घटना जो क्रम जो सामने आ रहा है और दिल्ली पुलिस हम एक्सपेक्ट करते हैं जो कि अभी इनपुट मिलेगा उसके आधार पर हम इसको और डेवलप करेंगे। और हमारी पुलिस जो है इसके लिए जो स्पेशल जो टीम बनाई हुई है वो इस काम में जुटी हुई भी है।
दिल्ली पुलिस के साथ राजस्थान ATS भी इन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, जिससे ये पता चलेगा कि अलकायदा के आतंकी किस नापाक घटना को अंजाम देने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंजाब के अमृतसर की कर देते हैं, जहां दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। कुछ बदमाश NRI के घर पर घुस जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं, जिसके बाद 3 गोली सुखचैन सिंह को लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, CCTV फुटेज सामने आया है, ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। अचानक से बदमाश घर में दिन दहाड़े घुस जाते हैं, उसके बाद फायरिंग करते हैं, 3 गोली NRI जिसका नाम सुखचैन सिंह बताया जा रहा है उसको लग जाती है। गंभीर हालत फिलहाल बताई जा रही है और अस्पताल में भी वो भर्ती है। वहां पर लगे CCTV कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है, जो TV स्क्रीन्स पर भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। 3 बदमाश अचानक से घुसते हैं, घर में घुसने के बाद फायरिंग करने लगते हैं। क्यों ये कदम उठाया गया, इसके पीछे क्या साजिश है, हर एंगल से पुलिस जांच में जुटी हुई है, छानबीन कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, NRI का घर और खौफनाक ये तस्वीरें। अचानक से बेखौफ बदमाश हमलावर घर में घुस जाते हैं, फायरिंग करने लगते हैं, 3 गोलियां सुखचैन सिंह को लगी, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, गंभीर हालत बताई जा रही है। तो ये पूरा मामला क्या कुछ रहा, कैसे घर में घुसे बदमाश, एक मिनट की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के अमृतसर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। वहां 2 बदमाश दिन दहाड़े NRI के घर में घुस गए और जमकर गोलीबारी की। इस दिल दहला देने वाली घटना का CCTV सामने आया, जिसमें महिलाएं काम करते और बच्चे खेलते दिखाई दिए। तभी कुछ बदमाश हथियारों के साथ घुस आए और NRI सुखचैन सिंह को धमकाने लगे। जब उन्होंने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर पिस्टौल से फायरिंग कर दी, जिससे सुखचैन सिंह जमीन पर गिर गए। इस दौरान महिला बदमाशों से हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन बदमाशों का दिल नहीं पसीजा और सुखचैन सिंह पर गोलीबारी करते रहे। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। वहीं 3 गोली लगने से बुरी तरह घायल NRI सुखचैन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि कुछ महीने पहले ही सुखचैन सिंह अमेरिका से भारत आए थे। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात जम्मू कश्मीर के बारामूला की कर लेते हैं, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी घायल भी हो गया है। क्या पूरा मामला रहा, एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। तो फायरिंग में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच गोलीबारी अभी भी जारी बताई जा रही है। मुठभेड़ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई और इस दौरान एक आतंकी घायल हो गया, गोली लगी है उसको, और जम्मू कश्मीर के बारामूला की ये पूरी घटना बताई जा रही है।